तो आज का टॉपिक क्या है? ओबीसी कोटा इन लोकल बॉडी पॉल। इसका मतलब क्या हुआ? लोकल बॉडी के पॉल में यानी इलेक्शन में ओबीसी का कोटा अभी डिसाइड हुआ है ना? तो एमपी पहला स्टेट बना है जहां पे ओबीसी लोकल बॉडी के इलेक्शन में ओबीसी को भी कोटा दिया गया है, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। क्यों किया है? क्योंकि एमपी ने ट्रिपल टेस्ट को पास कर लिया है ना? हम लोग देखेंगे ट्रिपल टेस्ट क्या है ना। एक क्राइटेरिया था सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि अगर ओबीसी कोटा का अगर डालना है लोकल बॉडी इलेक्शन में, तो उसे उस स्टेट को ट्रिपल टेस्ट फार्मूला में पास होना चाहिए, है ना? तो एमपी ने फर्स्ट टाइम उस टेस्ट को पास किया है, और भारत का वो पहला स्टेट है जिसने ये टेस्ट पास किया है, और जिसके कारण एमपी में ओबीसी कोटा को अलाउ किया गया है। कितना परसेंट? 27%, है ना? इससे पहले किन किन लोगों का रिजर्वेशन था, किन किन कम्युनिटी का रिजर्वेशन था? एससी एसटी और वुमेन का, है ना? महाराष्ट्र ने भी कोटा लाने का ये डिसीजन लिया था, बट महाराष्ट्र को के उस डिसीजन को स्क्रैप कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना? क्योंकि महाराष्ट्र ने उस टेस्ट को पास नहीं किया था, है ना? तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन आने वाले एग्जामिनेशन में तो आया ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट परमिटेड एमपी टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू अदर बैकवर्ड क्लासेस इन लोकल बॉडी इलेक्शन। यानी एमपी को अलाउ किया गया है, परमिशन दिया गया है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि वो लोकल बॉडी इलेक्शन में, लोकल बॉडी में दोनों चीजें आती हैं, पंचायती राज और तो पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी दोनों आते हैं। तो लोकल बॉडी में 27% रिजर्वेशन को अलाउ किया गया है एमपी में, है ना? सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। बैकग्राउंड मतलब कैसे स्टार्ट हुई थी, मतलब उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटा को, जो लोकल बॉडी में महाराष्ट्र और एमपी ने लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी कोटा लेकर आए थे, है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में 2021 में क्या किया था? स्क्रैप कर दिया था। स्क्रैप मतलब खत्म कर दिया था, है ना? क्योंकि दोनों ही फेल हो गए थे ट्रिपल टेस्ट को पास करने में। ओके, करेंटली लोकल बॉडीज इन एमपी हैव कोटा ओनली फॉर एससी एसटी एंड विमेन। ठीक है, एससी एसटी और विमेन को ही करेंटली लोकल बॉडी में कोटा दिया गया है, और ये पहला टाइम है जब किसी स्टेट ने ट्रिपल टेस्ट को पास किया है। यानी एमपी ने ट्रिपल टेस्ट फार्मूला को पास किया है, इसलिए वहां पे ओबीसी कोटा को अलाउ किया गया है। अब ये ट्रिपल टेस्ट फार्मूला क्या है? तो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के अपने एक जजमेंट में लाया था, दिया था, है ना? ये फार्मूला कब दिया था? 2010 में अपने ही एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट फार्मूला दिया था, जिसके आधार पे ओबीसी को लोकल बॉडी के इलेक्शन में कोटा दिया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 2010 में और उसी जजमेंट को 2021 में भी रिट्रेटेड किया गया था। रिट्रेटेड मतलब हाँ, रिपीट किया गया था, फिर से उसको उस पे जोर दिया गया था। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 2010 में वो जजमेंट क्या था। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट हो, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है ना? तो वो केस कौन सा था? केस था के कृष्णा मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो केस याद रखना है, के कृष्णा मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, 2010 में हुआ था। ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 243(d)(6) एंड आर्टिकल 243(t)(6) को इंटरप्रेट किया था। इंटरप्रेट मतलब व्याख्या की थी उसकी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को की व्याख्या कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, है ना? सुप्रीम कोर्ट के ही को ही बोला जाता है इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ऑप्शन दे सकता है ना? तो सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 243(t)(6) है, और आर्टिकल 243(t)(6) है, (d)(6) एंड (t)(6) जो है उसको इंटरप्रेट किया है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आर्टिकल 243 है क्या? तो आर्टिकल 243 लोकल गवर्नेंस से डील करता है। लोकल गवर्नेंस यानी
पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी, है ना। तो उसी में, उसी आर्टिकल में 243D सब पार्ट 6 करके दिया हुआ है, जिसमें रिजर्वेशन की बात कही गई है। और उसी तरह आर्टिकल 243T6 दिया हुआ है, उसमें भी रिजर्वेशन की बात की गई है। लेकिन D6 में किस पंचायती राज में रिजर्वेशन की बात की गई है और T6 में म्यूनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन की बात की गई है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि आर्टिकल ए से लेकर ओ तक क्या है, पंचायती राज का है, ओ के बाद म्यूनिसिपैलिटी है। तो 243D पार्ट 6 में पंचायती राज में रिजर्वेशन की बात की गई है और 240T6 में म्यूनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन की बात की गई है। उसी को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे इंटरप्रेट किया है, यानी उसकी व्याख्या की है। क्या कहा है और क्या बोला है इसमें, इसमें यह बोला गया है कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जा सकता है लोकल बॉडीज में, है ना। लेकिन वहां रिजर्वेशन देने का जो क्राइटेरिया, जो बेसिस होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस होगा, वो अलग होगा जो हम एससी और एसटी के केस में हम जो यूज करते हैं, है ना। जैसे जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन दिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, है ना। आर्टिकल 15 क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ यस प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। इस और 16 क्या करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का जो फोर्थ पार्ट है, आर्टिकल 15 का फोर्थ पार्ट, आर्टिकल 16 का फोर्थ पार्ट, ये क्या देता है, ये रिजर्वेशन को देता है, रिजर्वेशन को बता रहा है, बताता है कि रिजर्वेशन दिया जाता है किसी भी कम्युनिटी को जो कम्युनिटी एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। दो ही टर्म यूज होता है, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उन्हें हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, एजुकेशन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। तो ये बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, ये एम्प्लॉयमेंट की बात करता है ना। यानी हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करिए ना, रिजर्वेशन क्या है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, है ना। तो ये रिजर्वेशन का बेसिस क्या है, आर्टिकल 15 का फोर्थ पार्ट एंड आर्टिकल 16 का फोर्थ पार्ट, है ना। जो एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है पंचायती राज में और वुमेन को, वो किस आधार पे, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल बैकवर्ड के, बैकवर्डनेस के आधार पे, जो आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अनुसार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या बोला कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन दी जाएगी वो इस आधार पे नहीं दी जाएगी, उसका जो बेसिस होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस होगा, वो अलग होगा, है ना। क्योंकि अगर हम इस बेसिस पे देंगे, एजुकेशन और इकोनॉमिक आधार पे अगर ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे तो आराम से दे सकते हैं, है ना। लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पंचायत में लोकल लेवल पे ओबीसी का स्टेटस उतना पिछड़ा नहीं है, पंचायत लेवल पे, लोकल लेवल पे ओबीसी का स्टेटस उतना पिछड़ा नहीं है जितना एससी एसटी एंड वुमेन का है, है ना। तो इकोनॉमिक और एजुकेशन के बैकवर्डनेस के आधार पे हम ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, है ना। एजुकेशन और इकोनॉमिक के बैकवर्डनेस के आधार पर देखें तो लोकल गवर्नेंस में हम ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देंगे, है ना। तो फिर आधार क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या होगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, ट्रिपल टेस्ट फार्मूला। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फार्मूला निकाला कि अगर कोई भी स्टेट इस ट्रिपल टेस्ट फार्मूला को पास करता है तो वहां पे ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है लोकल बॉडीज में, है ना। आर्टिकल 15 और 16 के आधार पर रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिल सकता है लोकल बॉडीज में, है ना, बाकी जगह पे मिलेगा, लेकिन लोकल बॉडीज में ओबीसी को आर्टिकल 15 और 16 के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो किस आधार पर मिलेगा, ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के आधार पर मिलेगा। अब इस ट्रिपल टेस्ट फार्मूला में है क्या, तो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले आप एक कमीशन अपॉइंट कीजिए, एक कमीशन बनाइए, है ना, और वो कमीशन डेटा को गैदर करेगा, डेटा को गैदर करेगा कि कितना पॉपुलेशन है ओबीसी का उस लोकल बॉडीज में,
और कितना रिप्रेजेंटेशन है वो कमीशन डिसाइड करेगी। आप जो सेंसस हुआ है उसके आधार पे आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे 2011 में जो सेंसस हुआ है, लास्ट 2011 में सेंसस हुआ है ना, तो 2011 के डेटा के अनुसार आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अभी स्टेटस क्या है ओबीसी का, पॉपुलेशन कितना है और उनका लोकल बॉडी में रिप्रेजेंटेशन कितना है, उस डेटा को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो आप एक कमीशन बनाइए, वो डेटा गैदर करेगा, है ना, वो डेटा कलेक्ट करेगा कि ओबीसी का पॉपुलेशन कितना है और उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन लोकल बॉडीज में कितना है, है ना। तो पहला क्या करना है आपको कि कमीशन बनाना है, रिक्वायर्ड द स्टेट टू अपॉइंट ए कमीशन, है ना। दूसरा क्या है, कलेक्ट क्वांटिफिएबल डेटा ऑफ द कम्युनिटी। क्वांटिफिएबल मतलब एक होता है क्वांटिटेबल, एक होता है क्वांटिफिएबल, मतलब क्वांटिफिएबल मतलब परसेंटेज बेसिस पे आपको निकालना है ओबीसी का डेटा, आपको हर लोकल बॉडीज में परसेंटेज बेसिस पे निकालना है कि टोटल परसेंटेज हमारा क्वांटिटी कितना है। क्वांटिटी मतलब क्वांटिफिएबल मतलब जिसको गिना जा सके, क्वांटिफिएबल मतलब जिसको गिना जा सके, क्लियरली उसको क्लियर करके गिना जा सके कि इतना है भाई, है ना। टोटल पॉपुलेशन स्टेट में, टोटल पॉपुलेशन कितना है, उसमें ओबीसी का पॉपुलेशन कितना है और उसमें लोकल बॉडीज में रिप्रेजेंटेशन कितना है लोकल बॉडी। तो आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आप सेंसस वाला डेटा यूज नहीं कर सकते, है ना। कलेक्ट अ क्वांटिफिएबल डाटा ऑफ द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी का, ओबीसी कम्युनिटी का आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और उसको एनालाइज करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो तीसरा टेस्ट था वो था कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब ओबीसी को डिमांड कर रहा है कि 27% देना है, पता चला पहले से विमेन को कुछ दिया हुआ है, 33% तो मैंडेटरी है, है ना, मैंडेटरी 33% मैंडेटरी है। और कौन सा नहीं, बिल, वो बिल थोड़ी है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से दिया हुआ है ना कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए विमेन का, है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे 27% देने में कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि 27% आप रिजर्वेशन दे दीजिए ओबीसी को, लेकिन पहले ये देखिए कि 50% से वो, अब 33% अगर विमेन को दिया हुआ है तो अगर इसको 27% दे रहा है तो टोटल तो 50% ऐसे ही हो गया ना, ज़्यादा ही हो गया, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आप ओबीसी को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। समझ में आया। तो ये टेस्ट है कि अगर रिजर्वेशन आप दे रहे हैं इतना परसेंट तो वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। तो ये तीन टेस्ट अगर कोई करता है, जैसे एमपी ने ये टेस्ट किया और ये पास हो गया इस टेस्ट में, तो वहाँ पे ओबीसी के रिजर्वेशन को अलाउ किया जा सकता है। समझ में आया ये, कोई दिक्कत ठीक है।